नमस्कार, सलाम, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कहवा इन कश्मीर में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, श्रीनगर से। तो चलिए आज मिलवाता हूं मैं आपको एक ऐसे नौजवान से जो पला बड़ा मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में रहा, मुंबई में रहा, लंदन गया पढ़ने के लिए, लेकिन लौटकर हमेशा आया यहां वापस श्रीनगर, और अब बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स की दुनिया में, लिटरेचर और म्यूज़िक की दुनिया में। और उसने बनाई है एक बहुत ही ख़ास जगह, एक बड़ा अच्छा कैफ़े खोला है जो एक तरह का शहर में मेल्टिंग पॉट बन गया है थिंकिंग लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, राइटर्स और ऑथर्स के लिए। तो चलिए आइए मिलते हैं मुजतबा रिज़वी से। मुजतबा रिज़वी साहब, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और यू आर वेलकम। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने गुडफेलास की और आपकी। यू आर डूइंग सम रियली इनोवेटिव वर्क, एंटरप्राइजिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर। राइट, यहाँ के आर्टिस्ट को, आर्टिसंस को दुनिया का मंच देने का प्रयास है आपका। बिल्कुल। और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कश्मीर का एक्सपोजर देने की कोशिश। बिल्कुल। तो कैसे शुरू हुआ ये सफर, आर्ट में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ आपका? कहानी बहुत ही मल्टी लेयर्ड है। एज एन आर्टिस्ट बचपन से आर्ट का काफ़ी शौक रहा है, और लेकिन ऐसा रहा है बिकॉज जो कश्मीर में हर एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, तो इस लिहाज से मैं बॉम्बे चला गया इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन उससे पहले ही कुछ एग्जिबिशंस वगैरह किए थे अपने पेंटिंग्स का, अर्ली स्टेज था, काफ़ी इमेच्योर, मतलब इस टाइम पे मैं जब पीछे देखता हूँ। लेकिन एक थोड़ा सा लक भी रहा है जिसकी वजह से वो एक थोड़ा सा पब्लिक रिकग्निशन भी रहा। फिर जब बॉम्बे गया तो इंजीनियरिंग के दौरान मैं सेकेंड ईयर में था, और उस टाइम पे एक आइडिया आया कि कश्मीर वापस जाके एक एग्जीबिशन करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रुप शो में इवॉल्व हुआ, और जो इवेंचुअली J&K का सबसे बड़ा हिस्ट्री में आर्ट एग्जिबिशन रहा, कंटेम्प्रेरी आर्ट शोज़ का, जिसमें करीब 55 कश्मीरी आर्टिस्ट का आर्ट वर्क्स हमने एग्जिबिट किया कश्मीर आर्ट क्वेस्ट के नाम से। ये कब हुआ था? ये 2010 की बात है। तो उसके बाद मतलब उसका एक ऐसा एस्पेक्ट, कॉन्टेक्स्ट ये स्टोरी का कि जिस दिन एग्जिबिशन का लास्ट डे था उसी दिन दो लोगों की डेथ हो गई स्ट्रीट्स में, देयर वाज सम फायरिंग एंड दे डाइड। तो उस लिहाज से फिर उसके बाद मैं ऐसा सोचने लगा कि मतलब एक ऐसा जो, मतलब कश्मीर में जो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आर्ट को प्रमोट करने की वगैरह, कि इसका क्या मतलब मकसद क्या है, ये कैसा, हाउ डज इट फंक्शन इन दिस सोसाइटी। तो उसमें क्या एक सीरियसनेस का एलिमेंट आया। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी थोड़ा एक पर्सनल ग्रोथ हुआ एज एन आर्टिस्ट, और मेरा इंटरेस्ट क्रिएटिव एंड कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गया, और उसमें मेरा ऐसा रहा कि मतलब जो भी मैंने, जो मैं पढ़ता गया, सीखता गया, एक ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर एक सोसाइटी में आर्ट्स का बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन कहें, एस्थेटिक एवोल्यूशन कहें, कल्चरल एवोल्यूशन कहें, या आर्ट का एक ऐसा मतलब एक फंक्शन होता है कि ये डायलॉग को कुछ अलग तरीके से यू नो फ्लो होने करने देता है। और फिर इसका फिर एक अदर एस्पेक्ट है कि हमारे DNA में वी आर वायर्ड टू बी इंट्रीग्ड बाय आर्ट। तो ऐसा ये बढ़ता गया तो फिर मेरा शौक एक यूनिवर्सिटी की तरफ गया जिसका नाम गोल्डस्मिथ्स है, गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, और वो एक काफ़ी नॉन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, विच इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड फॉर क्रिएटिव एजुकेशन। एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे मैं पढ़ने गया, जहाँ पे मैंने मास्टर्स किया। लेकिन उस दौरान जो मेरा इंग्लैंड में और उसके दौरान जो यूरोप में टाइम बिताया मैंने, तो मैं एक आई वॉज़ वर्किंग ऑन यू नो डेवलपिंग अ मॉडल
for a self-sustainable center for contemporary arts and research. Kashmir Art Quest ka ek apna growth raha tha. Humne abhi jo exhibition hum karte the, we did it annually, har saal kiya. Uske alawa kafi international art exchange programs kiye. Ek project shuru kiya jiska naam Keep the Canvas Rolling hai, jo abhi bhi puri duniya mein travel kar raha hai. Ek bada sa canvas hai, kareeb 30 foot ka. और वो श्रीनगर से शुरू होके फिर बॉम्बे गया, गोंगजो चाइना गया, शिराज गया, केप टाउन, बाजल, और अभी भी वो पिछले दो साल से ट्रैवल कर रहा है. उस टाइम वो पोर्टलैंड में. तो ऐसे कश्मीर आर्ट क्वेस्ट का एक इंटरनेशनल नेटवर्क आर्टिस्ट का बना. और एम स्लोली ये हुआ कि हम कश्मीरी आर्टिस्ट को एक इंटरनेशनल आर्ट मैप पर कैसे प्रमोट करें, और एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट है उसको कश्मीर के साथ कैसे एंगेज करें, यहाँ के लोगों को इंटरनेशनल एक्सपोजर. एग्जैक्टली. और इंटरनेशनल लोगों को कश्मीर का एक्सपोजर. एग्जैक्टली. बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि जब इंजीनियरिंग पढ़ने गए बम्बई और वहां से आप चले गए गोल्डस्मिथ्स आर्ट्स पढ़ने, तो जो कश्मीरी माँ बाप का सपना है डॉक्टर इंजीनियर का, बिल्कुल. इनफैक्ट जब मैं तो गोल्डस्मिथ्स में मैंने सिर्फ आर्ट्स नहीं पढ़ा, मैं तब तक किसी आर्ट इंस्टीट्यूशन में नहीं गया था, तो इसलिए मैंने गोल्डस्मिथ्स में फाइन आर्ट एक्सटेंशन डिग्री का प्रोग्राम किया था. लेकिन मैं प्राइमरली गया था एक मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन, इट्स अ मास्टर्स डिग्री, और दैट वॉज द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मेरा ये टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड, आर्ट का बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योरशिप का बैकग्राउंड एक जगह कन्वर्ज होके और बहुत ही ब्रॉड नॉलेज बेस को यूटिलाइज करके मैं एक फोकस क्रिएट करता हूँ. सो आई वॉज डेवलपिंग एज एन आर्टिस्ट, मेरा एक पर्सनल ग्रोथ हुआ एज एन आर्टिस्ट, बट एट द सेम टाइम एज समबडी हु इज ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एंड कल्चरल कैपिटल, तो उसमें भी मेरा एक जो मैं ऐसा समझता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट भी मेरा एक इंटरेस्ट है बाकी आर्टिस्ट का ग्रोथ देखना, बाकी आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन देखना, एक सोसाइटी में एक विजुअल आर्ट्स की यू नो इमर्जेंस देखना, एक जिसको एक व्हाट आई से इज राइज ऑफ अ क्रिएटिव रेवोल्यूशन. तो इसका एक जो मेरा कश्मीर में एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ के हालात, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस, यहाँ के सोशल इश्यूज, उसको लेके, तो उसका भी एक इन्फ्लुएंस रहा है टू सॉर्ट ऑफ बी पर्स, मतलब क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं. तो पहली बात, कश्मीर में ना कोई आर्ट गैलरी है, एक एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस है गवर्नमेंट की, जिसकी हालात अनफॉर्चुनेटली, इवन दो दे हैव वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शंस ऑफ आर्ट वर्क्स इन एंटायर इंडिया, लेकिन आप वहाँ जाएंगे दे आर गैदरिंग डस्ट, मिट्टी में है वो. तो ये सब चीज़ें मतलब यू नो दे बिकेम पार्ट ऑफ दैट होल आइडिया ऑफ रिवाइवल, कि मतलब यू नो कि मतलब पोटेंशियल है, टैलेंट है, एक हिस्ट्री है, इकोनॉमिक वो है, सेंसिटिविटी है, फिर यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन, फिर आर्ट का अपना सिग्निफिकेंस. तो उस हिसाब से दैट इज़ वाई देर वॉज अ स्ट्रॉन्ग फेथ, देर इज अ स्ट्रॉन्ग फेथ कि नो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ जर्नी आई हैव एम्बार्क्ड अपॉन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज समबडी विद अ टेक बैकग्राउंड, एज एन आर्टिस्ट. तो ये जो कश्मीरी आर्टिस्ट को इकोनॉमिकली एम्पावर करना, उनके आर्ट को दुनिया के मंच पर, देश के मंच पर ले जाना, उस सब सफर में अभी कितनी ऐसा लग रहा है कि कामयाबी मिल रही है? अभी 7 साल हो गए कश्मीर आर्ट क्वेस्ट को, और मेरे को बहुत अच्छे से याद है जब सबसे पहला एग्जीबिशन करना था, तो लिटरली लोकल बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स के पास अब 10,000 रुपये दीजिए, एडवर्टाइजिंग करना है, वेन्यू का हायर करना है. तो पहला एग्जीबिशन 60,000 रुपीज़ पे हुआ था, और उस एग्जीबिशन पे हमने एक पॉट बेचा था 800 रुपीज़ का, दैट वॉज द फर्स्ट सेल, और उस टाइम पे 55 आर्टिस्ट थे. नाउ वी आर इन 2017, कश्मीर आर्ट क्वेस्ट हैज़ reached millions of people worldwide. We have done over 100 projects. We are an international network of over 1,200 artists. So obviously, us hisab se growth hui, and we have collaborated with some of the best institutions. Aur gallery ke dauran bhi, jab jo pehle 2 mahine the, immediately the artists, they went to the Kochi Biennale, wahan pe unki representation hui, aur the gallery, we were trying to document it, and we were linking with some of the best institutions. Whether it's Tate Modern, England, you know, we were speaking to a lot of institutions. But still, so there has been growth. Aur ab aisa hai ki Kashmir mein there's an interest in the whole, you know, the art world is very interested in, the artists are interested in working in Kashmir. To us wajah se obviously, you know, on the sidelines, jo main bol raha tha, creative and cultural entrepreneurship, that how does it feed back to the economy? Jo chai wala hai sadak pe, usko kya fayda hai isse? जो टैक्सी वाला है उसको क्या फ़ायदा है? तो वो एस्पेक्ट्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं.
और डेफिनेटली जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो बाकी हमारी एनालिसिस है, देर हैज़ बीन ग्रोथ, और चाहे वो आर्टिस्ट का हो, कम्युनिटी का हो, एजुकेशन का हो, और दी अदर थिंग्स, एंड वी ऑल्सो ट्राई आर डीलिंग विद इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू आर प्रोजेक्ट्स. तो उस टाइम पे मेरी बात हुई, मेरा कज़न है और ही इज़ बीन माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, अली. तो हमने सोचा साथ में कुछ करते हैं. तो हमारी बात हुई तो हमने सोचा कि लेट्स ओपन अ कैफ़े. बट और कश्मीर में उस टाइम पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ खुल रहे थे. बट वी वॉन्टेड टू डू समथिंग डिसरप्टिव विद दिस होल अपकमिंग ऑफ कैफ़ेज़, एंड वी वॉन्टेड टू कम अप विद अ स्पेस विच वुड नॉट जस्ट बी अ कैफ़े, जहाँ पे लोग जाके चाय पिए, गप्पे मारें और निकलें और हमको बिल दे के निकालें, लेकिन एक ऐसी स्पेस जहाँ पे लोग आए एज अ कम्युनिटी, और जहाँ पे क्रिएटिव आइडिएशन हो, विच बिकम्स अ स्पेस फॉर दिस क्रिएटिव माइंड्स टू एग्जिस्ट. तो वैसे गुडफेलास का हमने एक मॉडल क्रिएट किया, वी कॉल्ड इट एन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट कैफ़े. जनवरी में पिछले साल हमने शुरू किया, बट इन द फर्स्ट सिक्स मंथ्स वी मैनेज टू डू अराउंड 22 इवेंट्स, जो एक ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पे था. आर्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, गेमिंग, साइबर गेमिंग. तो उस हिसाब से एक यहाँ पे यू नो लोग अलग अलग इंटरेस्ट के आने लगे हैं. नाउ इट्स ऐसा हमने नहीं रखा कि यहाँ पे कोई आए ऑर्डर के, सो दे वांट टू एंगेज. हमने एक रीडिंग सेक्शन रखा है, तो स्पेस को, जो इस जगह का आर्किटेक्चर है, उसको वैसे डिज़ाइन करने की कोशिश की है, दैट यू आप बैठ के आराम से अपना काम भी कर सकते हैं, यू कैन ईजिली टॉक टू द पर्सन ऑन द नेक्स्ट टेबल. तो वैसा एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है. तो लिटरल एंड कल्चरल, साहित्यिक और सांस्कृतिक मीटिंग पॉइंट एक तरह का शहर में दैट इज द एम बन रहा है. और भी तो इस साल 2017 अक्टूबर में भी तो आप एक बड़ा इवेंट कर रहे हैं ना, कई देशों के आर्टिस्ट को लाकर, और बिल्कुल बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है. श्रीनगर बेनाले इंटरनेशनल के नाम से, जो एक्चुअली काफी लोगों का एक कह सकते हैं ड्रीम सा रहा है, और इवेंचुअली ओवर द इयर्स काफ़ी वी केम टुगेदर, जिसमें काफ़ी बड़े आर्टिस्ट और लोकल आर्टिस्ट, चाहे वो दिल्ली में, श्रीनगर में वगैरह, कश्मीर आर्टिस्ट, हम इकट्ठे आए एंड और हमने सोचा कि इतना इंटरेस्ट है और कर सकते हैं, इतने सालों से कोशिश कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली एक जो कश्मीर आर्टिस्ट का हिस्ट्री रहा है, सो इट इज़ सॉर्ट ऑफ गिवन अ कॉन्फिडेंस, एक बूस्ट मिला है कि नहीं, देर आर थिंग्स आर पॉसिबल टू डू. तो हमने एनविजन किया श्रीनगर बेनाले इंटरनेशनल, विच इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर सिटी ऑफ श्रीनगर इनटू एन आर्ट स्पेस, जिसमें पूरी दुनिया से आर्ट इंस्टीट्यूशंस, गैलरीज, म्यूजियम्स, आर्टिस्ट आके श्रीनगर में, पूरी श्रीनगर सिटी को डिफरेंट वेन्यूज़ में एक आर्ट स्पेस में कन्वर्ट करेंगे. लेकिन श्रीनगर बेनाले इंटरनेशनल का ये खासियत ये है, जो कि ये वेनिस बेनाले या बाकी बेनाले से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि श्रीनगर बेनाले बाकी सारी शहरों में भी हो रहा है, तो हमारी डिफरेंट नोडल सिटीज़ है, बर्लिन में, लंदन में, बॉम्बे में, दिल्ली में, शिराज में, चाइना में, जहाँ पे वहाँ पे भी श्रीनगर बेनाले होगा. तो हमने इसका एक बहुत ही इंटरनेशनल सा वो स्कोप बना दिया है. तो श्रीनगर बेनाले एक इवेंट नहीं है जो एक जगह पर एक टाइम पर कुछ हो रहा है. श्रीनगर में ऑब्वियसली देर इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव काइंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आर्टिस्ट, बट एट द सेम टाइम थ्रू आउट द ईयर दुनिया के हर एक शहर में श्रीनगर बेनाले के नाम पे इवेंट्स कंटिन्यू. कश्मीरी आर्ट एंड कल्चर की झलक दुनिया के अलग अलग शहरों में जाए पाएंगे. बिल्कुल होता है. वेरी नाइस. थैंक यू. सो व्हेन यू लुक बैक, ये जो पिछले 6-7 साल का आपका सफर, तो अब इस मुकाम पर, अभी तो कई मुकाम हासिल करने हैं, लेकिन इस मुकाम पर कैसा लग रहा है? सैटिस्फाइड हो, खुश हो? चैलेंजेस बहुत देखे, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिस हुई, लेकिन रिग्रेट नहीं है बिल्कुल कि मतलब आराम से कहीं जॉब कर सकते थे. माई फादर ही वॉज वर्किंग इन द मिडल ईस्ट, और उनके भी एक टाइम पे कंसर्न थे, तुम आ जाओ यहाँ पे, यू गेट अ वेरी गुड सैलरी. काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स भी थे. कभी कभी आता है ऑब्वियसली, यू नो, व्हेन यू आर इन द प्रोसेस ऑफ द जर्नी विच इज़ बीन 7 years नाउ, तो कभी कभी होता है यार नहीं, शायद यू नो आराम से जी सकते हो, क्या टेंशन लिया है इतना. बट इवेंचुअली व्हेन यू गो बैक टू स्लीप, यू नो, एट नाइट यू रियलाइज नो, दिस इज़ समथिंग वर्थ वाइल. It is an initiation, obviously, बहुत ही initial phase में, but eventually it is going to benefit everybody. It is going to benefit me. It is going to benefit my neighbor. This space, place, you know, that we owe so much to. और unfortunately, बहुत suffering देखी कश्मीर में. So there is somewhat. It also gives a hope
you know, that probably we are moving towards a bit, towards better days. Mujtaba Rizvi, thank you very much. Bahut acha laga mujhe aapse baat karke aur bada ek feel good hua. Bada acha kaam kar rahe hain. You know, you are trying to create a some kind of a melting pot of artists and creative people. Yeah. और ये जगह तो बिल्कुल अड्डा बन गई है पढ़ने लिखने वालों की सोचने वालों की आइडिएट करने वालों की ग्रेट थैंक यू वेरी मच आपका फिर से खुशामदीद है कहवा इन कश्मीर में आज हम दाचीगाम नेशनल पार्क में हैं और हांगुल यानी कश्मीरी रेड डियर पे बात कर रहे हैं 1940 की बात है रेड डियर यानी हांगुल की तादाद कश्मीर में 5000 के करीब थी मगर देखते देखते इनकी तादाद कम होती गई और एक ज़माना आ गया कि ये सफ़ेद हस्ती से मिटने ही वाला था आज हम हांगुल की कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं कि इस जो रेड डियर स्पीशीज़ है इसको कैसे बचाया जाए इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो मेहमान हैं ताहिर अहमद ख्याल साहब जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है यहाँ के और सुहेल साहब है जो रेंज ऑफिसर दाचीगाम नेशनल पार्क में है सुहेल साहब और शाल साहब आपका खैर मकदम इस प्रोग्राम में शुरुआत करते हैं ताहिर साहब से ताहिर साहब बीच में हालात ऐसे आ गए थे कि हांगुल की तादाद इतनी कम हो गई थी कि सफ़े हस्ती से मिटने ही वाले थे तो क्या इकदाम किए हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हांगुल कंजर्वेशन के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक तो पहला जो इकदाम ये किया गया है कि जो हांगुल का मेन हैबिटेट है जो इसका घर है यहाँ पे वो लगभग 141 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल का एरिया है उसको गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क के उसके तहत ला के उसको नोटिफाई किया है वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर दूसरा बहुत सारे जो बायोटिक इंटरफेरेंसेस हैं जिसका असर पड़ रहा है हांगुल की पॉपुलेशन पे जैसे आप अभी बता रहे थे कि डिक्लाइन हो रहा है काफ़ी सालों से पिछले सालों से तो उसमें बहुत सारे इकदाम जो हैं वो डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ले रही है जैसे कि कोशिश ये की जा रही है कि एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो है ग्रेजिंग का आप को मैं बताना चाहूँगा कि दाचीगाम को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है अपर दाचीगाम और लोअर दाचीगाम अल्टीट्यूड के हिसाब से है वो जो अपर दाचीगाम है अगर आप वहाँ की बात करेंगे तो गर्मी के महीनों में समर का जो होता है सीज़न यहाँ पे उस वक़्त क्या होता है कि बहुत सारे इर्द गिर्द के इलाकों से यहाँ पे नोमैड्स जो हैं वो अपना लाइव स्टॉक लेके पिछले बहुत सारे सालों से अंदर जा रहे हैं लगभग 20,000 से 25,000 की पॉपुलेशन लाइव स्टॉक की होगी ऐसा मानते हैं हम जो रिसर्च के बाद जो नतीजा आया है जिसमें गोट्स हैं शीप्स हैं हॉर्सेस हैं इवन उनके जो अपने साथ जो डॉग्स होते हैं कुत्ते भी होते हैं वो भी उस एरिया में होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए परेशानी का सबब है हांगुल के लिए और दूसरा है कि दाचीगाम पार्क के अंदर लगभग 100 हेक्टर एरिया जो है हमारा दाचीगाम नेशनल पार्क की जो प्राइम हैबिटेट लोकेशन है लोअर दाचीगाम की बात कर रहा हूँ मैं उसमें एक शीप फार्म है यहाँ पे उनके बहुत सारे शीप जो हैं वो यहाँ पे हैं वो यहाँ भी रहते हैं और समर में ऊपर भी चले जाते हैं बहुत सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो गया है तो इसके अलावा आप अगर देखेंगे ये जो साउदर्न साइड है दाचीगाम नेशनल पार्क की उसके पीछे बहुत सारी सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं स्टोन क्वेरीज हैं वो चल रही हैं उसका भी असर है सुहेल साहब आप यहाँ पे ग्राउंड पे काम करते हैं तो ये जो यहाँ शीप ये जो नोमैड्स आते हैं अपनी शीप लेके या इनके डॉग्स है उसे काफ़ी ख़तरा होगा हांगुल को जो बहुत ही एक सेंसिटिव जानवर है तो क्या इकदाम करते हैं आप उस वक्त ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए उन चीज़ों से खासकर उनके डॉग्स जो होते हैं या वो लोग होते हैं नोमैड्स जी बहुत एक अहम बात है क्योंकि जो ये शीप फार्म के लोग हैं जो समर ग्राउंड जब होता है हांगुल का अपर दाचीगाम में चले जाते हैं तो उस टाइम इनके शीप उसी टाइम वहाँ ले जाते हैं उनको तो एक तो उनके साथ कुत्ते भी होते हैं दूसरा इनके साथ साथ जो और भी जो बकरवाल गुजर होते हैं उनको भी वो फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि वो उनको दवाई देते हैं कैंप्स प्रोवाइड करते हैं बाकी चीज़ें की जो ज़रूरत है उनको वो दे देते हैं तो उस टाइम हमारे लिए बहुत एक टफ़ पीरियड आ जाता है उस सारी चीज़ों को टैकल करना
तो मैं शुक्र गुज़ार हूँ अपने लवर स्टाफ का जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स है या फॉरेस्ट गार्ड्स है, उनको फिर भेजना पड़ता है वहाँ, कैंपिंग करनी पड़ती है वहाँ, कंटिन्यूसली उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, अगर कुत्ते हैं तो उनको रोकना, या हमने इस साल बहुत जगह पे कैंप्स भी दिए थे जो एंट्री पॉइंट्स इनके हैं, गुजर बकरवाल या शीप के जहाँ से जाते हैं, तो हमने कैंप्स बहुत जगह पर डाले थे, तो उनको रोका था हमने, बहुत कोशिश की इस साल, तो स्टाफ हमारे जो स्टाफ है उन्होंने भी बहुत हिम्मत दिखाई, तो बहुत हद तक हमने इस टाइम इसको कंट्रोल भी किया था। तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्टाफ ने बहुत कोशिश की तो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। सुहेल साहब, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी होती थी हंगुल की कश्मीर में, तो इसका क्या स्टेटस है, तो उसके क्या नतीजे निकले, कि वो कामयाब रहा वो प्रोजेक्ट? जी एक्चुअली जो ये जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, इसमें हंगुल की एक मेन प्रॉब्लम जो आ रही है, बहुत ही शाय एनिमल है, तो इसको कैप्चर करना फिर ब्रीडिंग के लिए इसको इस्तेमाल फीमेल फीमेल, तो दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसमें लग चुका है, तो उसकी हैबिचुएशन वगैरह वो स्टार्ट किया है यहाँ पे कर रहे थे, तो अब जो ही इनको जब मिलेंगे कैप्चर करेंगे मेल और फीमेल को, तो ऑब्वियसली हमें एक होप है कि आइंदा से उसको हम शुरू कर पाएँ, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कंजर्वेशन ब्रीडिंग का, क्योंकि फॉरेन जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो रेड डियर है उसकी हर जगह पे वहाँ पे जो है ब्रीडिंग हो जाती है, तो हांगुल में क्यों नहीं हो सकती है। तो कोशिश यही रहेगी कि अगर अच्छी तरह से एक टीम एफर्ट हम सब मिल के जुल के काम करें तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल रहेगा। तो अभी चल रहा है वो, तो हैबिचुएशन के बाद अब कैप्चरिंग होगी, तो उसके बाद उसको कंजर्वेशन ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ताहिर साहब, एक बहुत बड़ा मसला है जो एम्बायोटिक प्रेशर का, खासकर क्रू साइड से जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ का, तो उस सिलसिले में आप क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या जो इंडस्ट्रीज़ या जो भी इनको परमिशन देता है, तो उनसे बात आपकी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि डाची गाम का जो सौदर्न फ्लैंक जिसको हम कहेंगे या बाउंड्री जहाँ पे है साउथ वाले साइड पे, उस पर आप देखेंगे एक तो वो एरिया जो है वो बी प्रोटेक्टेड एरिया गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको नोटिफाई किया गया। वहाँ पे दो मेन जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जिनको ख्रियू कंजर्वेशन रिजर्व और खनवो कंजर्वेशन, वो भी महाराजा के टाइम से आप देखिए वो नोटिफाइड है वो कंजर्वेशन रिजर्व, लेकिन अफसोस की बात है कि बिल्कुल उसके दामन में आप देखेंगे कि आज पहाड़ खोदे जा रहे हैं, स्टोन क्वेरीज हो रही हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैं कहता हूं कि वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर हो ना हो लेकिन वो बिल्कुल उसके दामन से हो रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रीज वहां पे ऑपरेशनल हैं उस एरिया में। तो एक अभी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट है, ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने ये इंटरेस्ट ले के कहा कि भाई पहले एक तो आप डिमार्केशन इस एरिया की कर लीजिए और उसके बाद इसको फेंस करके चैन लिंक फेंसिंग से और वो हो जाएगा। एनओसीज का होता है जो फैक्ट्रीज़ और ये स्टोन क्वेरीज वालों को लेना होता है, तो वो जो हमारे पास आते हैं हम वो पूरी चीज़ें उसको देख रहे हैं कि कहीं वो कोई इलीगल तरीके से तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा, तो काफ़ी हद तक चेक है। पिछले कुछ सालों से इतना वो इनक्रेज नहीं किया जा रहा इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए। सहेल साहब, ये जो स्टोन क्वेरी के साथ में आपका एरिया है, दाचीगाम का एरिया या सीमेंट फैक्ट्रीज का एरिया जो आपका एरिया है, तो वहाँ पे आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हांगुल साइटिंग कम हो गई है क्या? जी बिल्कुल, ये एक अहम फैक्टर है, क्योंकि मैं भी जब बहुत बार गया, हमारे यहाँ इस साइड पड़ता है संगड़ी एरिया, तो संगड़ी के उस तरफ जो सीमेंट फैक्ट्री क्वेरीज वगैरह हैं, तो मैंने खुद भी एक दिन जब वहाँ पे गया सांगड़ी में, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे जो काइल की हमारी ट्रीज़ थी तो ब्लू पाइन के, तो उसमें लगभग आधा इंच का सीमेंट जमा हो गया था उस टाइम, उसका सारे ट्रीज़ का कलर ग्रे कलर हुआ था, तो फिर मैंने उसको थोड़ा साफ़ करके मैंने ऑब्ज़र्व किया तो सीमेंट था। तो है, जब हांगुल का हैबिटेट ख़राब हो रहा है, वहाँ पे ट्रीज़ जो डाई हो रहे हैं उनकी ट्रीज़ पूरे हेल्दी नहीं है, हैबिटेट ख़राब हो गया उसकी, या जो फूड है वो मिलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे उस साइड ज़्यादा जाती नहीं है, वो ब्लास्टिंग वगैरह हो जाती है उसकी आवाज़ से, वो थोड़ा डर जाते हैं, तो बिल्कुल वहाँ ज़्यादा उतनी हमारी साइटिंग्स की रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे तीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एक तो शीप ब्रीडिंग फॉर्म है, दूसरा यहाँ पे ट्राउट का फॉर्म है, तीसरा यहाँ प्रोटोकॉल का ऑफिस भी है। तीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आपके जो दाचीगाम का एरिया है इसमें इंट्रूड कर गए हैं, तो उस सिलसिले में क्या कर रहे हैं?
बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत सारे इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। पहली बात जो है कि सबसे बड़ी जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो शीप ब्रीडिंग फॉर्म का, उनके पास लगभग 2000 कनाल जिसको या 100 हेक्टर एरिया जो है हमारा प्राइम लोकेशन डाचीगाम नेशनल पार्क की, जो हांगुल के लिए विंटर में यूज़ की जा सकती है, वो एरिया उनके पास है। और उसमें उनके पास लगभग 800-900 के करीब उनके पास शीप हैं, और वो शीप जो है वो जैसे अभी बता रहे थे रेंज ऑफिसर साहब कि वो गर्मी के दिनों में अपर एरियाज़ में जाते हैं जहाँ वो दूसरे लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो फैसिलिटेट करते हैं उनको। तो वो प्रेशर यहाँ पे काफ़ी सालों से रहा है। अभी कुछ साल पहले हांगुल को कॉलर किया गया था, रेडियो कॉलर्स किया गया था, जिससे उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, उसकी मूवमेंट के बारे में वो पता चले। हांगुल के इकोलॉजी के ऊपर रिसर्च चल रही है कि वो कहाँ मूव करते हैं, क्या खाते हैं, सीजनल क्या वेरिएशन आती है, और इस तरह की ये सारी रिसर्च यहाँ पे ये चल रही है काफ़ी सालों से। उसके साथ साथ एक जो अहम वो पार्ट रहता है रूटीन का ही समझ लीजिए, हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद डिपार्टमेंट पॉपुलेशन एस्टिमेशन करता है, जिसको आमतौर पर सेंसस कहते हैं, हांगुल का सेंसस हो गया। तो उसमें ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या ट्रेंड आएगा सामने हांगुल की पॉपुलेशन को लेके। तो इस तरह के काफ़ी और भी बहुत सारे छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, बर्ड्स पे है, छोटे मैमल्स के ऊपर लेके है। तो सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि बहुत सारे और से अदारे हैं, जैसे यहाँ का स्कॉस्ट है ये काम करता है, कभी कभार WTI का कोई प्रोजेक्ट होता है, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, कभी WWF का है, कभी यूनिवर्सिटी के जो हैं स्कॉलर्स वगैरह अपना PhD MPhils वगैरह की इस तरह के वेजिटेशन पे आके काम करते हैं, बटरफ्लाइज पे कुछ काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे वो चलता रहता है। सुहेल साहब, यहाँ पे जो शीप का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है तो डिजीजेस फैलने का भी खतरा होगा हांगुल को, तो क्या क्या खतरे रहते हैं हांगुल को? ये एक तो प्रॉब्लम मेन डिजीज़ तो मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि कैटल उनके शीप जो होते हैं उनसे स्प्रेड हो सकते हैं, रिंडरपेस्ट, FMD और जॉन्स डिजीज़, जो बहुत सारी घातक बीमारी है जो हमारे हांगुल को लग सकती है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो बहुत छोटे ग्रुप में है, तो अगर इनमें हो सकता है खुदा ना खास्ता कभी डिजीज़ लग गया तो अल्टीमेटली सारा पॉपुलेशन एलिमिनेट हो सकता है। ऐसे केसेस हुए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे जानवर ऐसे ही ख़त्म हो गए ड्यू टू डिजीज़। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए सेंसिटिव इशू है, इसलिए बहुत सारा हमारे ऑफिसर्स ने या ग्राउंड लेवल पर जो हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, तब जाके हम कामयाब हो गए शीप ब्रीडिंग फार्म को शिफ्ट करने में, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वी विल नॉट बी एबल टू सी हांगुल अगेन इन दाचीगाम नेशनल पार्क। विंटर में यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी हांगुल को फीडिंग की, तो आप क्या इंतजाम करते हैं उनकी फीडिंग का, कोई इंतज़ाम होता है क्या? जी, विंटर में जब आता है, जब स्नोफॉल हैवी होता है, तो उस टाइम हम यूजुअली यहाँ पे कुछ 2-3 टाइप्स के हम इनको फॉडर डालते हैं। एक मेनली जो हम प्रेफर करते हैं जो नेचुरल टाइप का इनको अवेलेबल हो उसकी कोशिश करते हैं। एक हमारे यहाँ पे सेलिक्स जो विल्लो है, तो हम जब विंटर से पहले ही थोड़ा सेलिक्स के ट्विग्स जमा करके उनके बंडल्स बना देते हैं, तो वो फिर डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे यूजुअली विंटर में हांगुल रहते हैं तो उनके हैबिटेट्स में हम डिफरेंट ट्रीज पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, तो फिर विंटर में उसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक एवरग्रीन, एक जिसको ये पलवलून कहते हैं, तो उसको भी हम काट के फिर उसके भी गुच्छियाँ बना के डिफरेंट जगह पे लोकेशन पे रखते हैं, तो फिर विंटर में उसको हांगुल एज फॉडर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी जब वेजिटेबल या कॉलीफ्लावर, रेडिश या कुछ इस टाइप के कुछ वेजिटेबल्स भी यूज़ करते हैं वो मिलते हैं। तो एक और मसला है वो पोचिंग का है, तो पोचिंग को कैसे आप रोकते हैं, या पोचिंग का खतरा वाइल्ड लाइफ एरिया में रहता है या इससे बाहर रहता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? इल्लीगल हंटिंग जो हांगुल की हुई है पिछले 50 साल में, वो सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ फैक्टर जिसने हांगुल का जो है नंबर वो नीचे लाया है। तो आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ कि 2002 में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अहम कदम उठाया, उसमें ये किया गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाई गई। उस एक्ट के तहत, उस अमेंडमेंट के तहत किसी भी तरह की हंटिंग और शूटिंग तमाम वाइल्ड लाइफ की, एनिमल्स, बर्ड्स जो भी आते हैं उसके अंदर, उनको रोक लगा दिया गया। और मेरे ख्याल में हांगुल की हंटिंग अभी कोई इतना बड़ा हमारे लिए ना तो चैलेंज है ना कोई मसला है, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा, बहुत कम इस तरह के चांस। ताहिर साहब, सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया
آپ ہمارے اس پروگرام میں جڑے. آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اگلے ہفتے ایک اور شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور ایک اور ایشو پہ بات چیت ہوگی جو یہاں کے لوگوں سے جڑا ہو. اجازت دیجیے. خدا حافظ.